वालेकुम जी। आईपीएस डिजिटल मीडिया ऑनलाइन कोर्स, कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप ठीक होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है केराटिन रिबॉन्डिंग, केराटिन स्मूथनिंग, बोटॉक्स, ये तमाम ट्रीटमेंट। मार्केट में डिफरेंट तरह की केराटिन, डिफरेंट तरह के बोटॉक्स और डिफरेंट तरह की रिबॉन्डिंग जो है वो अवेलेबल है। अभी आज जो हम बात करेंगे वो आज हम बात करेंगे केराटिन की। केराटिन बालों को क्यों की जाती है और केराटिन की जरूरत क्यों महसूस होती है, ठीक है। मोस्टली लोग जब आपके, सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। हमारे पास केरामाइनो की एक ये प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं ब्राजीलियन हेयर ब्लो आउट, ठीक है। ब्राजीलियन हेयर ब्लो आउट, ऐसे बाल जिनके बालों में फ्रिज है और वो हाईलाइटेड एंड स्टिकिंग उनके बालों के ऊपर रेपुटेशन में बहुत अरसे से वो करवाते चले आ रहे हैं और वो अपने बालों के फ्रिज को खत्म करना चाहते हैं, या रिबॉन्डिंग की वजह से या केमिकल की वजह से, किसी भी वजह से उनके बाल डैमेज हैं और उनमें फ्रिज है और बाल मैनेजेबल नहीं है, तो आप इस केराटिन ब्लो आउट को इस्तेमाल करा सकते हैं। ब्राजीलियन केराटिन ब्लो आउट है, इसे आपके बाल जो हैं उसमें जो ड्यू टू यूज ऑफ केमिकल एंड एनी इलनेस और किसी भी वजह से अगर बाल ड्राई, डैमेज और मैनेजेबल नहीं रहे और उनमें फ्रिज आ गया या क्रिंक आ गया, तो ये बालों को कम्प्लीटली रिपेयर करेगा और बालों के अंदर से वेव को भी खत्म करेगा। और आप एक बहुत अच्छा सा हेयर स्टाइल बना के दे सकते हैं ब्लो ड्राई सेटिंग के साथ, यानी आप इनवर्ट में इसको ब्लो ड्राई करें, बालों में वॉल्यूम भी रहेगा, बालों का फ्रिज खत्म हो जाएगा, बाल स्मूथ हो जाएंगे, हेयर शाइनिंग हो जाएंगे और हेयर जो है इसकी जो लास्टिंग है वो तकरीबन 6 मंथ है। और 6 मंथ लास्टिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में होगी कि अगर आप इसको इस्तेमाल करने के बाद नो पैराबिन शैम्पू, नो पैराबिन कंडीशनर और सीरम इस्तेमाल करते हैं, डेली आपने वॉश करना है या अल्टरनेटिव डे पे वॉश करना है, ठीक है। आपने कंडीशनर को कम से कम 5 से 10 मिनट का टाइम देना है, शैम्पू लगाना है स्कैल्प के ऊपर और लेदर को नीचे लेके आना है, वॉश करना है, बहुत ज्यादा गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करना, और फिर आपने उसके बाद जो कंडीशनर है उसको तकरीबन मिनिमम 3 मिनट और मैक्सिमम 5 मिनट लगाएं, उसके बाद बालों को रिंस करें। रिंस करके गीले बालों के ऊपर आप ऑर्गन ऑयल या सीरम उसका स्प्रे करें और फिर देन लो टेम्परेचर पे अपने बालों को ड्राई करें या नेचुरली ड्राई करें। इसकी लास्टिंग जो है वो 6 मंथ से ज्यादा भी हो सकती है अगर आप होम केयर और मेंटेनेंस करेंगे।